स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक एस्टिमेशन एंड दैट इज द टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स. सो फर्स्ट लेट अस सी द मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन. एस्टिमेशन का मतलब क्या है? एस्टिमेशन जैसे आपको आपने बहुत बार ये वर्ड एस्टिमेशन सुना होगा. वर्ड एस्टिमेशन मीन्स अनुमान लगाना, राइट? सो एक टाइप से हम क्या बोल सकते हैं इसको, टू गेस, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, मतलब किसी चीज़ को गेस करना. ओके, एंड देयर आर सो मेनी सिचुएशंस. आप बहुत सारे सिचुएशन ऐसे फेस करते हो व्हेन यू नीड टू क्विक रिप्लाई. जब आपको क्या जो है बहुत जल्दी जो है रिप्लाई देने का ज़रूरत पड़ता है, तो इन दैट टाइम यू नीड एस्टिमेशन. ओके, इसका मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. सपोज यू आर गोइंग टू अ फेयर, एक आप फेयर में गए एंड देन यू सी देयर सो मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स. बहुत सारे अट्रैक्टिव थिंग्स आपने वहाँ पे देखी एंड यू वॉन्ट टू बाई देम बट यू डोंट हैव सो मच टाइम. ठीक है ना, आपको बहुत सारा टाइम नहीं है कि आप इसको सोचो. तो आप क्या करोगे, वट विल यू डू, यू विल मेक एन टू बाई दोज थिंग्स, यू विल मेक एन एस्टिमेट. आप एक एस्टिमेट बनाओगे कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं इतने जो है जो वट एवर सो ऑन जो है खरीद सकता हूँ. सो दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन. तो उस टाइम जो है आपने एक एस्टिमेशन बना लिया है. ठीक है, एक और जैसे सपोज क्या है, इन योर क्लास अ बॉय इज गोइंग टू बी सेलिब्रेट हिज बर्थडे. ठीक है ना, वो अपना बर्थडे मनाने जा रहा है, कोई भी आपका क्लास का एक जो है लड़का है, राइट? एंड नाउ ही वांट्स टू मींस इनवाइट सम गेस्ट वो जो है ऑन हिज बर्थडे. ठीक है ना, वो जो है अपने क्या है अपने बर्थडे में क्या है कुछ गेस्ट को बुलाना चाहता है, इनवाइट करना चाहता है. सो व्हाट विल यू डू, वो एक क्या है एक रफ आइडिया बनाता है कि इतने गेस्ट आने हैं. ओके, अब ये जो रफ आइडिया उसने ये बनाया है, ये क्या है उसके उतना ही है जितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ गेस्ट आएंगे, ये पॉसिबल है, ये थोड़ा इम्पॉसिबल है. ठीक है ना, गेस्ट में भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं उससे या कम भी हो सकते हैं, वो तो उसने एक रफ आइडिया बनाया ना. सो व्हाट ही विल डू, सपोज ही मेक अ रफ आइडिया फॉर 1025 गेस्ट, राइट? इतने उसने एक रफ आइडिया बनाया. ओके, बट अब ये रफ आइडिया बनाया इतने लोगों के लिए वो अरेंज नहीं कर सकता. सो व्हाट ही विल डू, ही विल मेक एन एस्टिमेशन फॉर 1100 गेस्ट. वो इसके अराउंड जो है इसके पास, क्योंकि कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो क्या है 1100 गेस्ट के लिए एक जो है एस्टिमेशन बना देगा, जिससे कि जो है वो इन इतने लोगों के लिए अरेंज कर सके ताकि उसको कोई परेशानी ना आए. जितने भी जो है गेस्ट आए, ये थोड़ा उससे मीन्स इतना उसने अप्रोक्सीमेट लगाया लगभग इतने गेस्ट आएंगे. दैट इज, सो ये जो लगभग ही है यही हमारा क्या है एक एस्टिमेशन है. ठीक है, तो ये एस्टिमेशन का मीनिंग है. अब जो है व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देयर आर सम रूल्स फॉर एस्टिमेटिंग. ठीक है ना, नंबर्स के टर्म में रूल्स हैं कि कैसे हम जो है किसी को इसके तरह, ये एक तरीके से जो 1025 है इसने क्या कर दिया है, इसको राउंड ऑफ ही एक टाइप से राउंड ऑफ कर दिया है, इतना राउंड ऑफ कर दिया है. आपने सुना होगा ना, अरे इतना राउंड ऑफ कैलकुलेशन हुआ तो इतना राउंड ऑफ हो गया. सो दिस इज द एस्टिमेशन. ओके, अब क्या है, पहला है फर्स्ट कुछ रूल हैं एस्टिमेशन के. जैसे क्या है, सबसे पहले फर्स्ट रूल इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ. ओके, तो नियरेस्ट टेंस पे आप जो है हाउ विल यू एस्टिमेट अराउंड नियरेस्ट टेंस के अवॉर्ड कैसे करोगे आप, एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज दिस इज द 18. ओके, नाउ 18 के नियरेस्ट टेंस क्या है, नियरेस्ट टेंस दैट इज 20. सो 18 इज राउंडेड एज ऑफ 20. ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये जो है 18 को जो करेंगे हम 20 में राउंड ऑफ करेंगे. सो 18 इज राउंडेड टू 20. 18 को हमने 20 में राउंड ऑफ कर लिया है. बट 18 को हमने 10 में क्यों राउंड ऑफ नहीं करा है, व्हाई? बिकॉज 18 इज फार फ्रॉम 10 देन 20. ठीक है ना, 20 इज नियरर टू 18. सो देयर आर टू, इसके जो 18 के जो अगर आप सबसे नियरेस्ट दो टेंस देखोगे, सो दो टू टेंस आर 20 एंड 10. ठीक है, सो व्हाई वी राउंडेड ऑफ, 18 इज राउंडेड ऑफ टू 20, दिस वन इज व्हाई वी राउंडेड ऑफ, बिकॉज 18 इज नियरर टू 20.
ऐसे सपोज आपको क्या करना है, दिस इज 15 को राउंड ऑफ करना है, तो 15 कैसे राउंड ऑफ होगा, सो 15 के नियरेस्ट टेंस के हैं 20 एंड दिस इज 10, राइट। सो 15 के नियरर अगर जो है आपका दोनों ही, यहाँ पे देखो बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंसेस, दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं, 20 इज सेम एज 10, ओके 15 इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम 10 एज इट इज फ्रॉम 20, तो डेट मीन्स 15, अब ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, 15 इज राउंडेड ऑफ, इसको हम जो राउंड ऑफ करेंगे टू 20, इसको हम 15 को बड़ी क्वांटिटी के इक्वल करते हैं, राइट। एंड सेम थिंग इज हियर, अब ये आपका क्या है, फर्स्ट सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल लेट अस सी सिंगल डिजिट नंबर कैसे राउंड ऑफ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज 5 6 7 8, तो ये 6 7 8 10 के नियर है, तो ऑल द 6 7 8 विल बी राउंडेड ऑफ टू 10, इनको हम क्या करेंगे, राउंडेड ऑफ, एंड ऑल दीज नंबर आर देयर नियर टेंस, व्हाट वी कैन से दिस टाइप इज जीरो, सो ऑल दीज आर राउंडेड ऑफ टू जीरो ऑफ एस जीरो, इसको एस भी आप लिख सकते हैं, राउंडेड ऑफ एस जीरो एंड राउंडेड ऑफ एस 20, राइट। मतलब 15 को हमने एक जो है 20 के उसमें राउंड ऑफ कर दिया है, एंड सेम इज हियर एंड सेम इज हियर, सो दिस इज द रूल एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना, नियरेस्ट टेंस के हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट रूल इज फॉर व्हाट, नेक्स्ट रूल इज एस्टिमेटिंग टू द, और ये एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सपोज इसे 23, सो 23 इज राउंड ऑफ टू 20, 23 इज राउंड ऑफ टू 20, इसके नियरेस्ट टेंस क्या है 23 के, 20 है, और ये जो है नॉट 30, 30 इज फार अवे फ्रॉम 20, सेम थिंग यू विल डू, सपोज यू हैव टू डू 52, 52 के लिए किसके राउंड ऑफ होगा, 52 विल बी राउंडेड ऑफ टू ऑफ एस 50, 52 के नियरेस्ट जो टेंस है वो 50 है, ठीक है ना, ऐसे ही आपका 56 के नियरेस्ट टेंस क्या होगा, 60 होगा, सो 56 इज राउंडेड ऑफ एस 60, ठीक है ना, 56 को हम क्या करेंगे, 60 के राउंड ऑफ में करेंगे, सिंपल सा भी नहीं है, ऐसे 52 को 50 में, सो दीज आर द एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट, नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ, ओके, सो नियरेस्ट हंड्रेड, सो नियरेस्ट हंड्रेड मीन्स सपोज आपको ये करना है 67 के नियरेस्ट 100 क्या आएगा, तो 67 के नियरेस्ट 100 तो 100 ही होगा, राइट, सो 67 विल गो टू 67, वी विल राउंड ऑफ 67 एज 100, ठीक है ना, 67 को हम क्या है 100 के राउंड ऑफ में करेंगे, कैसे, इसके लिए क्या है, द नंबर्स, नंबर्स फ्रॉम 1 to, numbers from 1 to 49 are rounded off as 0, right? अगर hundreds में आपको करना है तो hundreds में 1 to 49 will be rounded off 0, and numbers, numbers from 51 to 99 are rounded of as 100, okay, so those numbers which are close to 100 from 51 to 99 they will be rounded off as 100, unko 100 mein kar denge, right, but those are below 50 means 1 to 49 and 50 kya hoga, 50 ek common practice hai, ye to ek simple practice mein hai, 50 is rounded of as 100, इसको हम 100 के इसमें राउंड ऑफ करेंगे, ओके, एंड दोज आर ग्रेटर देन नंबर 67, 65, ऑल दीज नंबर्स आर राउंडेड अपवर्ड्स टू 100, तो ये आपके जो है, एंड दीज नंबर्स बिलो सपोज 45, तो 45 विल बी राउंडेड ऑफ राउंडेड ऑफ एस 0, ठीक है ना, इसको हम क्या है 0 के राउंड ऑफ में करना है 44 को,
इन नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 जो 044 के होगा उसको हम 0 के उसमें करेंगे. ओके, सो दिस इज द रूल एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000s. एंड बिफोर गोइंग टू दिस नियरेस्ट 1000, सपोज दिस वन इज 415, सो व्हाट विल बी, हाउ विल यू राउंड ऑफ 415? 415 विल बी राउंडेड ऑफ एज 400, बिकॉज 415 के नियर 100 क्या है, 400 है ना. एंड सपोज 475, सो 475 विल बी राउंडेड ऑफ एज 4, दिस विल बी 500, ठीक है ना. 475 विल बी राउंडेड ऑफ एज 500, व्हाई, बिकॉज 500 इज नियरर टू 475, ये इसके नियर है. एंड 400 इज क्लोजर टू 450, ये इसके क्लोजर में है, ठीक है ना. तो ये 400 में नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज 500 इज क्लियर टू 475. सो नियरेस्ट 100s, व्हाट इज द नियरेस्ट 100s टू 475, दैट इज 500. एंड व्हाट इज द नियरेस्ट 100 टू 415 इज 415 इज 400. सो सेम फॉर अदर नंबर यू कैन डू इट बाई एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 में हमें ऐसा करना है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000s बाय राउंडिंग ऑफ. सो व्हाट विल यू डू एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000. सो सपोज दिस वन इज 525 and this one is 425, and what we have to do, we have to round off it as 1000 ke nearest to the 1000. Okay, so it will be round 525 will be rounded off as 1000, theek hai, 1000 ke usme hoga, and this will go to 0. Ye aisa kyun hoga, this is the numbers from 1 to 499, ठीक है ना. जो नंबर से है 1 से लेकर 499 तक है आर राउंडेड ऑफ एज 0, उनको 0 के राउंड में करेंगे, ठीक है. एंड नंबर्स फ्रॉम 501 to 999 are rounded off as 1000. Okay, so ये 1000 में इनका राउंड ऑफ हो गया है, नंबर फ्रॉम 500 to 99. एंड what विल बी द राउंड ऑफ 500? सो दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस, 500 rounded off as 1000. इसको हम क्या करेंगे, 1000 में राउंड ऑफ करेंगे, राइट. सो दिस इज 5000 विल बी. नाउ सपोज देयर इज अनदर नंबर दैट 785, सो व्हाट इज द राउंड ऑफ ऑफ 785 टू द नियरेस्ट 1000, सो इट विल बी 1000. ओके, एंड देन सेम फॉर द नंबर्स लेस देन व्हाट यू कैन से 3, सपोज दिस इज वन इज 265, सो 265 विल बी राउंडेड एज टू 0. ये किसको करेगा, ये 0 में करेगा, इधर नियरेस्ट 1000, ठीक है. अगर 1000 में अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो इट विल गो टू 0, एंड इफ 785 विल बी गो टू 1000. सो दीज आर द रूल्स टू एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000s बाय राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना. राउंड ऑफ करके जो है नियरेस्ट 1000s में हम कैसे जो है किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट दीज आर द सम रूल्स. नाउ एस्टिमेटिंग द नेक्स्ट रूल इज एस्टिमेटिंग द सम एंड डिफरेंसेस. सम और डिफरेंसेस को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं. नेक्स्ट इज टू एस्टिमेट सम एंड डिफरेंस. ओके, टू एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस. अब यहां पे सपोज यू हैव टू एस्टिमेट, टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. सपोज यू हैव टू राउंड ऑफ 15,800
प्लस 3265, इसको आपने क्या है राउंड ऑफ करना है। यू मींस यू हैव टू एस्टिमेट दिस सम, इसका एस्टिमेशन लगाना है। बट बिफोर मींस यू हैव टू एस्टिमेट फर्स्ट यू नो द व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, ठीक है ना। इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, हम तो एक एस्टिमेशन लगाएंगे ना, हम एक अनुमान लगाएंगे। तो 15,885, ओके। सो दिस वन इज 5, 5, 10 और ये 15, 9, 11, ओके। एंड देन वन विल बी कैरी 6, दिस विल बी 9, 19,000, ओके। नाउ लेट अस सी वंस अगेन, 5, 5, 10, दिस इज 9 एंड प्लस 6 15 एंड दिस इज 1, 8, 1, 9, 2, 11 and this is this will go carry 639. So this is what is the your actual product, actual sum is here, not actual product, actual sum, jo actual hamara sum aana hai wo kitna 19,150. So whatever you will estimate that must be nearer to this one, aur wo jo hai ek estimation hai, to maine aapko bataya hai estimation ka hame kyun zarurat padta hai, why we need estimation, because whenever we need to quick reply, we have to give quick answer, okay, then we need an estimation, तब हमें एक estimation का ज़रूरत पड़ता है, okay। और estimation दो चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा depend करता है, that is degree of accuracy, okay। There is no means rigid rule that estimation को जो है आपने nearest 1000 में ले जाना है या nearest 100 में ले जाना, आपको जो है वो sensible होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ जो है बिल्कुल उसमें जो है वो क्लोजर हो उसके जो एक्चुअल नंबर के, और डिग्री ऑफ मींस एक्यूरेट होना चाहिए एक टाइप का, और दूसरा जो है एक जो है उसमें जो आपका जो एस्टिमेशन है वो जो है एक तरह से उसका जो प्रोसेस है वो जो है वो क्विक टाइप का होना चाहिए, मतलब आपका रिप्लाई एकदम आना चाहिए। तो जैसे सपोज ये है हम इसको करते हैं राउंडेड ऑफ बोथ दीज नंबर, राउंड ऑफ टू मीन्स इन दोनों नंबर को अगर हम 1000 में राउंड ऑफ करें, ठीक है ना। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 में हम एस्टिमेट करते हैं इसको, ओके। सो नियरेस्ट 1000 में हम एस्टिमेट करते हैं इसको, so what it will be what is the nearest 1000 of 15,885, 16,000 obviously, okay, so 885, so iske nearest 1000 kya hoga, 1000 hi hoga na, to ye total kitna ho jayega, this one will go 16,000, okay। now what is the nearest 1000 of 3265, so 3000 hai plus 265, okay। सो दिस इज इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसके नियरेस्ट 1000 अगर आप ले जाओगे डेट विल बी 0, ठीक है ना। सो व्हाट इज द नियरेस्ट 1000 टू 3265, डेट इज 3000, ओके। सो इट विल बी देखो 3000 एंड दिस वन गोज टू 19,000, ये आपका 19,000 आ गया है, राइट। अब 19,000 आ गया है, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, बिकॉज what happened in the what we did here, we did nearest in nearest 1000, dono ko humne kya hai 1000 mein nearest 1000 mein kara, so what is the answer 19,000, now see whether it is closer to this one or not, to ye is closer hai, that means ye jo aapka jo aaya hai ek tarah se isko hum bolenge good and quick, theek hai na, reply bhi quick aaya, quick kyon aaya, why means why we are saying it is good and quick, मतलब good इसलिए है क्योंकि ये इसके nearer है, this is called degree of accuracy, कितना accurate आपने करा है, ठीक है। और फिर next one is what then दूसरा जो है आपका जो है this is good and quick, और ये reply quick हुआ है क्योंकि ये zero में आ रहा है, तो add करना आपको एकदम आसान पड़ गया है, okay। So ये आपका जो है this we have done for this question, and अगर आप suppose इसको करो estimating to the nearest hundreds, अब nearest 100 में suppose आप करो, इसमें भी हम देख लेते हैं, because what I have told you there is no
rigid rule that you have to means you have to do in nearest thousands or nearest hundred. आपको जिसमें भी accuracy मिल रहा है accurate मिल रहा है और जो response आए वो quick आ रहा है that is good, that is called good estimation. उसको हम good estimation बोलते हैं. तो अब हम compare कर रहे हैं इन दोनों में से कौन सा estimation जो है ज़्यादा better है. That's why. So nearest hundreds में अगर आप करोगे so what will be nearest 100 to 885. So it will be 900. Okay. 885. And what will be the nearest 100 to 265? It will be 300. 265 के nearest 100 क्या होगा? 300. Okay. So what we have done? We have rounded off both these numbers to hundreds. ठीक है ना, hundreds में हमने round off कर लिया है इनको. अब इस कितना आएगा? 15,900. 3,300. Okay. 0, 0, 12, 1, 9 and 9,001. So this one is 19,200. कितना है? This one becomes 19,200. अब आप यहाँ पे जो है देख सकते हो, this one is nearer to this one. Okay. ये इसके nearer है. Good. But not quick. Why it is not quick? Because it is taking more than time. Rather means what we are saying, ये जो है इससे ज़्यादा time जो है calculate करने में इससे ज़्यादा time ले रहा है. ये तो आपने easily calculate कर दिया एकदम. क्यों? Why? Because 16,000 plus 3,000 or 19,000. But 15,900 and 3,300. First you need to add like this and it will take time. आपको ये ऐसा ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये टाइम ले रहा है. तो ये जो है ये गुड, ये इसके नियर तो आ रहा है, डेट इज़ गुड. डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज गुड हियर, बट व्हाट इज द रिस्पांस इज नॉट क्विक. रिस्पांस जो है जल्दी नहीं आया है. ओके. सो रिस्पांस जल्दी नहीं आया है, डैट मीन्स ये क्या है, व्हाट वी से दिस इज द बेटर एस्टिमेशन. ठीक है, इसमें हम बेटर एस्टिमेशन किसको बताएंगे? 19,000 वाले को, नॉट दिस वन. 19,200 बिकॉज दिस इज ऑल्सो नियरर टू दिस वन. ओके. सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम यर, फॉर बेटर एस्टिमेशन आपको क्या है, आपको जो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितना आ रहा है और जो है रिस्पॉन्स कितना जल्दी आ रहा है वो चाहिए होता है फॉर गुड एस्टिमेशन. एस्टिमेशन ये भी इसका एस्टिमेशन है, बट दिस इज गुड एस्टिमेशन. ओके. So I hope you have understood this example, and seeing this you can do others question. Okay. Next is to estimate, this is the estimation of sum, not to estimate difference. Take an example. Difference. Okay. To estimate the difference, how we estimate difference? Suppose okay, look it here. This one is 5,700. Okay, इसी को हम ले लेते हैं, and this what I am taking it, that is 475. This one is. Now suppose first what I am doing here, taking round off. एस थाउजेंड. ओके, थाउजेंड में हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं. सो लेट अस सी. ओके, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड. नियरेस्ट थाउजेंड में हम इसको एस्टिमेट कर लेते हैं. सो दिस विल बी व्हाट विल बी द नियरेस्ट थाउजेंड ऑफ 5,785? ऑब्वियसली 6,000 होगा. और इसके नियरेस्ट थाउजेंड क्या होगा? बिकॉज 475 इज लेस देन 500. मैंने आपको बोला था नंबर्स फ्रॉम 1 to 499 देयर राउंड ऑफ एज थाउजेंड विल बी ज़ीरो. ठीक है ना, अगर हम जो है उनको जो है नियरेस्ट थाउजेंड्स के राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उनका नियरेस्ट थाउजेंड जो होगा डेट विल बी ज़ीरो. सो 6,000, ये एक 6,000 आ गया. नाउ यू कैन चेक इज इट द रीजनेबल और इज इज द बेटर एस्टिमेशन. Now how will you check? First you need to find what actual difference. Actual difference क्या आ रहा है? 475. So 501, 7 and 3 and this is
So actual, this was the actual difference 53,000, 5,310 और ये 6,000. So there is lot of gap, बहुत ज़्यादा gap है, ठीक है ना. Means ये estimation जो है किसी भी जो है उस angle से equal नहीं है, राइट. बिकॉज अगर आपने इसका जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट नियर टू 5,310, इट इज़ टू फार. नाउ सी एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में इसको एस्टिमेट करें, सो what will be the nearest 100 to 785, 5, and what will be the nearest 100, that will be 500. If 500 होगा नहीं होगा, what will be the nearest 100 to 475, 500, and what will be the nearest 100 to, this is 5800. Okay, now 5800, so if you subtract this one, so this will be 5300. Now see here, this is the, because 5300 is so near to 5310, so this is the degree of accuracy is right here. यहाँ पर degree of accurate आया means 5300 and this is 5300, difference is 10. And also what happened, the response, and response is also quick here because this is in zeros. So what happened here, both suppose maybe it may be take a little time, more time, 6000 minus 0, that is 6000. But here the degree of accuracy was not reasonable. मतलब जो है कि ये जो है बहुत distance आ रहा था, means 6000 is far away from 5310. लेकिन इसमें 5300 आया, so degree of accuracy is absolutely right. So and the difference is 10. So that means this estimation is reasonable here. Okay. Okay, so we have got, so this is the estimation of for difference, how we have to check the better estimation by actual. First you have to do actual operation, whatever it is, multiplication or division or multiplication है और आपका क्या है, addition है, subtraction है, तो हम अभी इसके लिए पढ़ रहे हैं. Next one is आप क्या है, to estimate the products. Next one is, okay, to how to estimate products. तो estimate product को कैसे हमने estimate करना है, तो इसमें आप देख लेते हैं. Suppose I can take an example, suppose this one 60, okay, you can take it 62 into 183, you can take this one, okay. इसका आपने you want to estimate this product. अब इसको estimation आप करना चाहते हैं, first you need to find actual product. So this is 6, this is 16, and this is 3, okay. So 2 3 is 6, 2 8 is 16, and 2 1 is 2 3, 6 3 is 18, 6 8 is 48, 1 carry 49, 6 1 is 6, and this is 6 14, and this one 9 3 12 13, and this one 1, so 11,346, right. So this is the 11,000, actual product is 11,346, okay. 11,346 is the actual product here. Now suppose we want to estimate this one, so what can you do here, you either you can make both the number to round off nearest hundreds, so nearest hundreds ki about kar sakte ho, or you can do about nearest tens, you can round off them nearest tens, and you can round off one of them to nearest tens and one of them to nearest hundreds, okay. So first what I am doing, estimating to the nearest tens,
So what is the nearest tens of 62? 60. And what is the nearest tens of 183? That is 180. So if you multiply this one, then it will be 10,800. Okay. Then estimating to the nearest hundreds. So estimating to the nearest hundreds, 62. What is the nearest hundred of 62? 100. And what is the nearest hundred of 183? That is 200. So it will be 20,000. Okay. Then one of them you can estimate this one to nearest tens and this one to nearest hundreds. Okay. Estimating to the nearest tens and hundreds one by one. Okay. What we are doing here? We have estimate 62 nearest tens. So nearest tens will be 60. And what will be nearest 100? So nearest 100 will be 200. Okay. So this will be 12,000. 12,000. Okay. So here 60 into 200. So this is 12,000, this is 20,000, and this is 10,800. Now see here, our actual product was 11,346. Our actual product kya tha? 11,346 tha. So which is nearer to this one? This one and this one. This is not nearer to this one. So this one, this is not reasonable estimation. It is reasonable 20,000 and 11,000. So much difference is there. What sort of difference hai? लेकिन अब आप इसमें देखो, ये 10,000 और ये इसके नियर है, 10,800, 11,300. द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज राइट हियर, बट व्हाट इज हियर दैट टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा ले रहा है. ओके, सो दिस आल्सो वी विल नेगलेक्ट दिस वन, इसको भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं. मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू हियर, आप हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा जो है बेटर एस्टिमेशन है तीनों में से. ओके, एंड देन एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड. अगर हमने नियरेस्ट टेंस और हंड्रेड्स में इसको एस्टिमेट करा है, देन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज राइट हियर. एंड ऑल्सो व्हाट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, बिकॉज 60, दिस इज सो इजी टू मल्टीपल, 2, 6, 12 and 3, 0, 12,000. सो दिस इज गुड एंड क्विक, राइट? दिस इज गुड. Good as the sense of degree of accuracy. Good but not quick. ये quick नहीं है यार, ठीक है ना? So which is the better estimation यार, कौन सा अच्छा है जो estimation जो एकदम आपका जो है suitable है, that is this one. Okay. So and also you, what you can do, you can also if this one, okay, this one we have done, you can round off it to 100, and this one also you can round off. If suppose what we are doing, this is at 100 and this is at tens, so what will be tens? 180. Okay, 62 is round off as 100 and 183 is round off at 180. So here what we have done, 62 को हमने क्या है 100 में round off कर दिया है, 183 को tens में round off कर दिया. तो तब भी अगर आप result देखोगे तो ये 18,000 आएगा. Okay, again it is too far from here. ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन वन बाय वन आपको देख, ये एस्टिमेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि जो एस्टिमेशन है, मैंने आपको को क्या बोला है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसी को आपने एस्टिमेट करना है, किसके में 1000 में करना है और या 100 में करना है. आपको जो बेटर एस्टिमेशन दे रहा है उसमें आपको करना है. जैसे यहाँ पे क्या है, दिस वॉज गिविंग टू अस टू बेटर एस्टिमेशन, दिस वन, व्हेन वी राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस बाय 60 एंड नियरेस्ट 100 बाय 183, राइट? सो this is and the question is based on this what we have done here. So you should practice those questions. Okay, thank you.